दोस्तों आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। ऐसे ही कुछ हाल ऋषभ पंत का है कि ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार तो हर एक देश कर रहा है, हर भारतीय टीम का खिलाड़ी कर रहा है और हर एक क्रिकेट फैन कर रहा है कि ऋषभ पंत की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापसी कब होगी। ऋषभ पंत को भाई इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए लगभग साल भर हो चुका है, जब इनका साल दिसंबर के अंदर इनका एक्सीडेंट हुआ था। अब इनकी जो लेकिन रोड टू रिकवरी रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रही है, जिस तरीके से उन्होंने रिकवरी करी है उस एक्सीडेंट के बाद, तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा चल रहा है ऋषभ पंत का। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 से पहले तो नामुमकिन है कि ऋषभ पंत फिट हो पाएंगे, क्योंकि भाई इससे पहले आपने देखा होगा एशिया कप 2023 के लिए भी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बताया था ऋषभ पंत की फिटनेस कंडीशन, उसके अंदर रोहित शर्मा ने बताया था कि ऋषभ पंत अच्छी तरीके से हील कर रहे हैं, पॉजिटिव हील कर रहे हैं, एनसीए के अंदर रिहैब कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप वर्ल्ड कप के अंदर वापसी तो उनकी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि साल के अंत में जो सीरीज होगी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज होगी, फिर जनवरी के अंदर जो इंग्लैंड वाली सीरीज होगी उसके अंदर ऋषभ पंत की वापसी होगी, तो ये एक पॉजिटिव साइन। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही है कि ऋषभ पंत का जो रिकवरी रह रही है वो कैसे चल रही है फिलहाल के अंदर, तो ऋषभ पंत ने आपकी एक अपडेट सुनी होगी कि ऋषभ पंत 140 प्लस के जो गेंदबाज होते हैं उनको फेस कर रहे हैं नेट्स के अंदर। उसके बाद ऋषभ पंत की एक फोटो वायरल भी हुई थी जहां पर उन्होंने JSW के लिए एक प्रैक्टिस मैच खेला भी था, उसके अंदर बड़े ऋषभ पंत ने आगे बड़े बड़े के चौके छक्के लगाए थे। और उसके बाद एक फिटनेस अपडेट आई थी ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग भी स्टार्ट कर दी। लेकिन अब जो फिटनेस अपडेट आई है ऋषभ पंत की वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एक और चीज कि ऋषभ पंत ने अपने इनिशियल मूवमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि एक बतौर विकेट कीपर की आपको एक सिक्स सेंस लगाना होता है कि बैट्समैन कैसे फुटवर्क के साथ कैसे एंटिसिपेट करेगा, किस तरीके से मूवमेंट देगा, तो उससे पहले ही आपको अपने हिसाब से अपनी जो मूवमेंट होती है वो एडजस्ट करनी पड़ती है, वो हाथ की हो चाहे वो आपकी फुट मूवमेंट हो। तो इसके ऊपर ऋषभ पंत अभी काम कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 से पहले। ये बहुत ही बड़ी अपडेट ऋषभ पंत को लेकर, ऋषभ पंत अपनी फुट मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी वो फुट मूवमेंट को अपनी एडजस्ट करेंगे उतनी जल्दी वो बल्लेबाज की फुट मूवमेंट को एडजस्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए ऋषभ पंत काम कर रहे हैं। और ऋषभ पंत की आप सबको पता है कि घुटने में चोट लगी थी, और ऋषभ पंत अपने घुटनों के ऊपर ज़्यादा जोर ना दें क्योंकि लिगामेंट उनका टियर हुआ था और अभी फिलहाल उनका रोड टू रिकवरी है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि कैसे वो एक लंबे विकेट कीपिंग सेशन के लिए प्रिपेयर कर पाएं अपने आप को, क्योंकि ऋषभ पंत भाई टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, T20s वनडेज भी तो चलो फिर भी थोड़े कम खेलते हैं, कोई और रिप्लेसमेंट आ जाता है उनका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है ऋषभ पंत का जहाँ पर टीम इंडिया भी ऋषभ पंत के अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं है। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बाहर के देशों में जाके परफॉर्म करा, इंग्लैंड में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बड़ी बड़ी विक्ट्रीज ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से करके दिखाई है। तो ऋषभ पंत के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर फिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऋषभ पंत अपनी फिटनेस विकेट कीपिंग ड्रिल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 140 प्लस किलोमीटर के गेंदबाज को भी फेस कर रहे हैं, तो ऑल एंड ऑल ऋषभ पंत की जो रिकवरी है पूरी इस एक्सीडेंट के बाद से काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जहां पर ऋषभ पंत ने एक अपना ऑपरेशन भी टाला था। देखने वाली बात होगी भाई कब तक ऋषभ पंत वापसी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, कौन सी वो सीरीज होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना।